सायाहपुर में आज किसान यूनियन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान किसान यूनियन ने जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की। किसान यूनियन ने यहां के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह के साथ आगे होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक की। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मनजीत सिंह ने जिले में संगठन को और मजबूत करने के लिए नए कार्यकर्ता बनाने की मुहिम तेज करने की बात कही। साथ ही साठा धान की फसल को प्रतिबंधित करने के लिए जिला प्रशासन के फैसले का समर्थन भी किया। हम लोगों को मंडल अध्यक्ष जी की तरफ से ये कहा गया है कि आप गांव-गांव जाकर इन संगठन को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती जो हो सके। और हम लोग समस्या किसानों की आज भी उठाई है, जो गन्ना पेमेंट है नहीं हो रहा, और जो हमारे यहाँ बिना मौसमी जो बरसात हुई है इसमें किसानों की फसल खराब होगी, आलू खराब हो गए, मटर खराब हो गए, और साथ में जो गेहूँ बोई हुई थी वो खराब होगी। उस वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ। वो डीएम साहब से मिलकर बात उठाई गई और गन्ना पताई के ऊपर भी बात। क्या किसानों से बातचीत करेंगे कि साठा धान का इस्तेमाल ना करें? हम किसानों को पहले से भी कहे आ रहे हैं, आंदोलन भी किया था हम लोगों ने, कि ये साठा धान जो है ये किसानों के लिए बहुत हानिकारक है। इसी की वजह से हमारा ना धान अच्छे रेट में बिकता है ना गेहूँ बिकती है। अगर हमारा धान और गेहूँ दो फसलें होंगी तो हम लोग सरकार से पूरा रेट ले सकते हैं, जो भी धान गेहूँ है उसका।